नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSE ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके 11वीं प्रश्न वाली समरूपता के बारे में। तो पिछली क्लास में अपने कुछ सवाल किए थे 11.2 के, आज अपन इसके 11.2 के आगे के सवाल करते हैं। और आज की जो क्लास है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इनमें से जो आपके आज से जो प्रश्न स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास में जो बात करेंगे, वो बहुत ही ज्यादा आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आपको जो एग्जाम अगर इनमें से प्रश्न आता है, क्योंकि काफी ज्यादा चांसेस है इसमें से प्रश्न आने के, तो आपका प्रश्न गलत नहीं हो। और पूरे के पूरे आपको पता है इसमें से 6 नंबर का प्रश्न आने वाला है, तो 6 नंबर आपको पूरे के पूरे किस तरह से प्राप्त करने हैं साथ में वो भी देखना है। तो सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है सवाल के अंदर, ताकि आपको 11वीं प्रश्न वाली है वो कई बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है, वो मुश्किल नहीं लगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं अपना सवाल है जो नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल। देखो सवाल के अंदर दिया हुआ है, आपको सवाल को अच्छी तरह समझना है, क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझेंगे तो उसको आप अच्छी तरह सॉल्व भी कर पाएंगे। तो देखते हैं पहले किस तरह से आपको सवाल में क्या रहा है वो आपको समझना है। तो देखते हैं सवाल को, सवाल में दिया है दिए गए आकृति में OA, OB और OC पर क्रमशः L, M और N बिंदु इस प्रकार स्थित है कि LM समांतर है AB के तथा MN समांतर है BC के। तो आपको ये दर्शाना है, यानी सिद्ध करना है LN समांतर AC है। अब इसको चित्र के द्वारा समझते हैं क्या कहा हुआ है। OA, OB और OC कौन सी है, ये देखो OA ये भुजा, OB ये भुजा और OC ये भुजा है, ठीक है। इस पर L, M और N तीन बिंदु हैं, देखो L है, M है और N है, ठीक है। इस प्रकार स्थित है कि जो LM है वो AB के समांतर है, जो LM है वो AB के समांतर है, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है। याद रखना है कौन सी भुजा, एक ये भुजा और ये भुजा समांतर दिया हुआ है, मैं छोटा सा यहां पर साइन लगा देता हूं, ये और ये समांतर है, ठीक है। इसके बाद में साथ में क्या है, MN समांतर है BC के, ये BC हो गया, ये इसके समांतर है। आपको सिद्ध क्या करना है, LN समांतर AC, यानी ये इसके समांतर आपको सिद्ध करनी है। तो बहुत ही आसान से तरीके से सवाल को करेंगे। सवाल का करने का तरीका आपको मैंने बताया था, सबसे पहले सवाल के अंदर जो दिया हुआ है वो लिख लें। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है LM समांतर है AB तथा MN समांतर है BC के, ये चीज अपने को दिया हुआ है, ठीक है। अपने को सिद्ध करना है, सिद्ध जो करना है अपने को यह करना है कि जो LN है वो समांतर है किसके, AC के। अब देखो सवाल को हल करते हैं। सवाल को हल करने से, स्टार्ट करने से सबसे पहले बात ध्यान रखनी है, यहां नियम यहां लगेगा समरूपता का, जो थेल्स प्रमेय पढ़ी थी और थेल्स प्रमेय का विलोम, उसी से अपन सवाल को हल करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर त्रिभुज लेने कौन से हैं वो ध्यान रखना है। तो जिन त्रिभुजों में ये भुजा समांतर दे रखी है, कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं, वही त्रिभुज आपको लेने हैं। तो देखो LM समांतर AB, तो LM और समांतर AB कौन सा त्रिभुज बन रहा है, देखो AOB, त्रिभुज AOB। तो मैंने यहां पर क्या लिया है, त्रिभुज AOB में, AOB में आपको क्या दे रखा है, दे रखा है LM समांतर है AB के। तो थेल्स प्रमेय से अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर कोई भुजा होती है, तो वो समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो यहां पर अनुपात कैसे लिखें, देखो OL बटे OA, देखो यहां पर क्या होगा, OL बटे यानी इस भुजा का बटे LA, ठीक है। बराबर किसका अनुपात, ये एक इधर ले लिया, अब इधर OM बटे MB बराबर क्या होगा, OM बटे MB, OM बटे MB। ये यहां तक आपको समीकरण एक करके यहां एक बार सवाल को इतना ही करना है। अब दूसरा त्रिभुज लेना है, ये किस में दे रखा है, आप अब पता लगेंगे, देखो MN और BC, तो MN ये रहा और BC ये रहा, तो त्रिभुज बनेगा BOC, ये देखो BOC। तो फिर से मैंने त्रिभुज लिया, त्रिभुज BOC में, इसमें आपको दे रखा है जो MN है वो समांतर है किसके, BC के। तो यहां पर भी थेल्स प्रमेय लगाएंगे, तो भुजाओं का अनुपात देखो OM बटे MB और ON बटे OC, तो यहां देखो ON बटे OC, कोई सा भी आप लिख सकते हो, सॉरी ON बटे NC,
बराबर किसके होगा? ओ एम बट्टे एम बी। भुजाओं का अनुपात लेने वाला अपने को ध्यान रखना है ओ एम बट्टे एम बी, ओ एम बट्टे एम बी। यहां ये हो गया समीकरण दो। थोड़ा सा ध्यान दें आप समीकरण एक और दो से, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इधर भी ओ एम बटे एम बी है, इधर भी ओ एम। जब दो समीकरणों में एक साइड बराबर होती है तो दूसरी साइड भी क्या होती है, बराबर। तो समीकरण एक व दो से, समीकरण एक और दो से आपको यह पता चला कि अगर इधर वाली साइड बराबर होती है तो इधर वाली साइड भी क्या होगी, बराबर। तो अपन कह सकते हैं ओ एल बटे एल ए बराबर, इसकी साइड क्या है, ओ एन बटे एनसी, ओ एन बटे एनसी। अब ये देखो कौन सी भुजाओं का अनुपात बराबर है और किस त्रिभुज के अंदर है, वो देखते हैं। ओ एल बटे एल ए, ओ एल बटे एल ए, ठीक है। ओ एन बटे एनसी, ओ एन बटे एनसी, तो ये त्रिभुज कौन सा आ गया, ए ओ सी, कौन सा आ गया, ए ओ सी। और ए ओ सी में त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन क्या कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से अगर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, देखो दोनों यहां पर देख रहे, अगर भुजा समांतर है, दो भुजाएं, तो उसका अनुपात बराबर होता है। अगर अनुपात बराबर है तो भुजाएं समांतर होती है, थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो देखो कौन सी भुजा आ रही है, देखो यहां से भुजा एक बिंदु एल आ रहा है और एक एन आ रहा है, ठीक है, एल एन, और किसके समांतर होगी, ए सी के। तो यहां लिख देंगे एल एन समांतर है एसी के, और आपको सिद्ध क्या करना था, ये तो सिद्ध करना था, देखो एल एन समांतर एसी। अगर किसी त्रिभुज के अंदर, ये देखो ये त्रिभुज कुछ इस तरह से बन रहा है, यहां से अलग बना के देख लो, यहां से यहां बिंदु ओ है, यहां एन है, यहां ए, यहां सी है, यहां ए है और यहां एल है। तो देखो ये भुजा का बटे ये किसके अनुपात है, इसके और इसके, इसका अनुपात बराबर होने का मतलब ये भुजा जो है इसके क्या है, समांतर है, तभी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये अपने थेल्स प्रमेय में विलोम में पढ़ा था, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वो भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी, बीच में जो भुजा उसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये था इसका तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये अपने को सिद्ध करना था और अपने सिद्ध कर दिया। देखो दोबारा से आपको इस सवाल को कैसे करना है, बहुत ध्यान देना है, आपके अंदर आपको सवाल में दिया हुआ है कि एल एम, एल एम है वो समांतर है एबी के और एम एन है वो समांतर है बीसी के। तो ये जिस त्रिभुजों में आ रही है ना, वही त्रिभुज अपने को लेने हैं और उसके अंदर भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो देखो पहले त्रिभुज लिया ए ओ बी, इसके अंदर आ रहा है, तो इसको ए ओ बी में आप इसको अलग चाहे ना, वहां समझ में कम आ रहा है तो आप इसको अलग बना सकते हैं। देखो मैं आपको अलग बना के बता दूं, आपको समझ में आएगा, यहाँ ओ है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहां M है और यहां L है। तो देखो यहां से कैसे अनुपात लिया है वो समझते हैं। देखो एल एम समांतर AB, ये एल एम समांतर AB, ये दिया। अब भुजाओं का देखो ओ एल ये बटे ये, ओ एल बटे एल ए, ठीक है। अब क्या हुआ, त्रिभुज अपन हमेशा ऐसे बनाते थे, ठीक है, इस बार क्या है, त्रिभुज को ऐसे घुमाया हुआ है तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, वैसे ही उनका अनुपात लेना है। अब ये ऊपर वाला अनुपात लिया था तो इसके सामने ये अनुपात ओ एम बटे एम बी, तो देखो ओ एम बटे एम बी लिखा हुआ है। इसी प्रकार ये नीचे वाला त्रिभुज, इसका तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा, देखो यहाँ O है, यहाँ M है, यहाँ N है, यहाँ B है और यहाँ C है। देखो यहाँ पर मैंने अनुपात लिया पहला ओ एन बटे एन सी, ये रहा देखो ओ एन बटे एन सी, दोबारा लिया है ओ एम बटे एम एम बी, ये रहा ओ एम बटे एम बी, सिंपल सा सवाल। अब एक साइड दोनों की बराबर होती है तो दूसरी साइड भी बराबर होगी, दूसरी साइड में अपने को दिख रहा है त्रिभुज के अंदर भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसका मतलब वो दोनों भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो ये था इसका तीसरा महत्वपूर्ण सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला चौथा महत्वपूर्ण सवाल। सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले अपन सवाल को समझते हैं। देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में एबी व एसी भुजाओं पर क्रमशः डी और ई बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि बीडी बराबर सीई है, यदि कोण बी बराबर सी हो तो दर्शाइए डीई समांतर बीसी होगा। आपको त्रिभुज मतलब चित्र नहीं दे रखा, तो पहले अपन चित्र बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले त्रिभुज एबीसी एक बना लेना है, तो यहां पर एक त्रिभुज बना लिया एबीसी, ये हो गया त्रिभुज ए बी और सी। अब आपको सवाल के अंदर दिए त्रिभुज बना रही है, अब देखा है ए बी और ए सी भुजा पर क्रमशः बिंदु डी और ई है, ए बी भुजा पर है एक बिंदु, ये डी हो गया, और ए ए सी पर है, ये इसको मिला है तो एक भुजा बन देती है, ये हो गया डी और ये हो गया बिंदु ई। देखो इसी तरह का हुआ है,
ए बी के ऊपर बिंदु डी है और ए सी के ऊपर बिंदु ई है। कर्मशः का मतलब कर्म से, ठीक है। बिंदु इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर सी ई है, यानी बी डी भुजा सी के बराबर है। बी डी कौन सा, ये रहा, यानी ये भुजा और ये इतनी भुजा क्या है, बराबर है। और कोण बी बराबर सी है, यानी ये कोण बी और ये कोण सी क्या है, बराबर है। तो आपको समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा याद होगी, अगर किसी त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजा भी क्या होती है, बराबर। यानी इस कोण की सामने की भुजा ये और इस कोण की सामने की भुजा ये बराबर होगी, यानी ए बी बराबर क्या होगा, ए सी। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसके अंदर दोनों कोण और दो भुजा कोई बराबर होती है। अगर कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने की भुजा बराबर होती है, और भुजा बराबर होती है तो उसके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो अपन इस सवाल को करते हैं, पहले अपन क्या करेंगे, जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है आपको, आपको ये दे रखा है बी डी बराबर सी। ठीक है, इसको कह देते हैं समीकरण। और दिया हुआ है कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर सी। तो क्या होगा, अगर कोण बी बराबर सी है तो सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजा क्या होगी, बराबर। तो अपन कह सकते हैं ए बी बराबर AC। अगर कोण बराबर है तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां तक अपने को समझ में आ गया, इसको अपन कह देते हैं समीकरण दो। अब आते हैं वापस सवाल के ऊपर। इस सवाल में देखो अपन क्या करते हैं, अपने को सिद्ध जो करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध आपको यह करना है कि जो DE है वो भुजा क्या है, BC के समांतर है, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है। ठीक है, तो अपन इसको देखते हैं, हल करते हैं बहुत ही आसान से तरीके से, आपको आसानी से समझ में आएगा। देखो कैसे, अब एक बार के लिए अपन इनको भुजाओं का अनुपात लेते हैं। अब भुजाओं का अनुपात कई तरीके से आपको पता है, अपन ले सकते हैं ये बट्टे ये रख सकते हैं, इस भुजा के बट्टे में पूरी भुजा रख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसके बट्टे में पूरी भुजा रख सकते हैं। ध्यान से देखना, मैं यहां पर जो अनुपात ले रहा हूं त्रिभुज ABC में, मैंने लिया है DB बट्टे, क्या लिया है, DB के बट्टे में मैंने रखा है कौन सी भुजा, ये भुजा रखी है पूरी AB। DB के बट्टे में मैंने क्या रखा, AB रखा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, समीकरण एक और दो से मान रखें तो DB के बराबर में अपन क्या लिख सकते हैं, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से मान रखने पर इसका जितना भी अनुपात आएगा, तो अपन एक DB की जगह बताओ क्या रख सकते हैं, DB की जगह रख सकते हैं CE। ठीक है, और इस AB की जगह क्या रख सकते हैं, AC रख सकते हैं। तो ये हो गई समीकरण तीन, और ये क्या होगी, चार। इसकी जगह ये मान रखा है तो अपन क्या कह सकते हैं, देखो ये भी तो कह सकते हैं, यहां पर अपन इसको लिखें तो DB बटे AB, इसके बराबर अपन क्या रख सकते हैं, समीकरण एक और दो से मान रखें तो DB की जगह अपन क्या रख सकते हैं, देखो DB की जगह CE रख सकते हैं, और AB की जगह क्या रख सकते हैं, समीकरण दो से AC रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, DB बटे AB बराबर CE बटे AC, यानी इस भुजा का अनुपात बटे पूरी भुजा, इस भुजा का अनुपात बटे पूरी भुजा का अनुपात। तो अगर ऐसा बराबर होता है तो अपन लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से अगर किसी त्रिभुज के अंदर भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसका मतलब क्या है, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो जो बीच में भुजा प्रतिच्छेद कर रही है वो क्या है, समांतर है। तो यहां पर लिखेंगे DE समांतर किसके, BC के। ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। देखो ध्यान से दोबारा से, अगर कोई त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर दिए होते हैं तो उसके सामने की भुजा बराबर, यानी ये पूरी AB भुजा पूरी AC के बराबर है, और इतना DB और EC आपको बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने त्रिभुज ABC में भुजा का अनुपात लेते हैं इस साइड का,
ठीक है, तो मैंने लिखा डीबी, लिख सकते हैं डीबी बटे पूरा एबी, ये लिखा। अब देखो मैंने क्या किया, ये समीकरण तीन कह दो इसको चाहे, मैंने यहां पर समीकरण तीन के अंदर डीबी और एबी का मान रख दिया। क्या कर दिया मैंने, डीबी और एबी का मान रख दिया। तो डीबी की जगह देखो डीबी बटे एबी लिया मैंने, ठीक है। अब देखो डीबी की जगह मैंने क्या रखा, मैंने जो दिया हुआ था डीबी की जगह सी रख सकते हैं या बीडी की जगह सी रख सकते हैं, तो बीडी की जगह मैंने क्या रख दिया, सी रख दिया। और दूसरा, जब कोण बराबर है तो सामने की भुजा बराबर होती है, तो ए बी बराबर क्या रख दिया, ए सी रख दिया। तो इसका मतलब डी बी बटे ए बी बराबर सी बटे ए सी है, इसका मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर है, और भुजाओं का अनुपात बराबर है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से अपन कहते हैं वो दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है, जिससे अनुपात आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो ये हो गया इसका चौथा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला पांचवा सवाल। देखो पांचवें सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आकृति में DE समांतर BC है और CD समांतर EF हो, तो सिद्ध कीजिए AD का स्क्वायर बराबर AB इनटू AF होगा। तो पहले इसको चित्र से समझते हैं। देखो चित्र दिया हुआ है इस सवाल के अंदर, आपको दिया है DE समांतर BC, तो ये DE है, ये पूछा क्या है, इसके समांतर है, ठीक है। दूसरा है CD समांतर EF, देखो CD कौन सी है, ये रही CD, ये और EF, ये दोनों क्या हैं, समांतर हैं, ठीक है। अब आपको सिद्ध करना है कि जो AD का स्क्वायर है वो बराबर AB इनटू AF होगा। देखो AB आ रहा है यहां पर, AB, AB मतलब पूरी भुजा का अनुपात आपको सिद्ध करने को पहले देखना है, थोड़ा सा देख लेना, एक बार चेक कर लेना है कि भुजा का अनुपात किस प्रकार लेना है, वो आपको पता चल जाएगा। अब देखो सवाल को उसी तरह करेंगे, बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखो आपको दिया हुआ क्या है, दिया है DE समांतर है BC और CD समांतर है EF के, EF के, ठीक है। आपको सिद्ध जो करना है वो आपको करना है AD का स्क्वायर बराबर AB गुणा EF, बहुत ही आसान सा सवाल है। अब आपको वापस आना है, देखो सवाल के हल पर, सवाल का हल किस प्रकार करना है वो देखना है। तो आपको मैंने बताया था जिन भुजाओं का देख रखा है ना समांतर, उन्हीं से बनने वाले त्रिभुज लेने हैं और उसमें थेल्स प्रमेय लगानी है। तो देखो ये किस में आ रहा है, डी ई बी सी, ये पूरे त्रिभुज में आ रहा है, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में आपको क्या दिया हुआ है, डी ई समांतर है बी सी थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से भुजाओं का अनुपात बराबर ले रहे हैं। देखो AD आ रहा है ना उत्तर के अंदर, तो AD लिखेंगे, बटे क्या DB लिखेंगे या पूरा AB लिखेंगे, देखो उत्तर के अंदर पूरा AB आ रहा है, तो अपने को क्या लेना है, AB लेना है बराबर। अब देखो इसी के अनुपात सामने वाला अनुपात AE बटे क्या लिखना है, पूरा AC, AE बटे पूरा AC, ये होगी अपनी समीकरण एक। अब देखो दूसरे वाले पे, अब आ जाओ दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे बताओ, त्रिभुज कौन सी भुजा रही है, देखो CDEF के समांतर है, ये है CD और ये EF, तो ये त्रिभुज आएगा देखो ADC, ये त्रिभुज लेना है ADC, तो त्रिभुज ADC में क्या दे रखा है आपको, CD समांतर है EF के। थोड़ा सा मैं त्रिभुज को बना देता हूं आपको, यहां से समझ नहीं आएगा, अगर यहां इसको समझ लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां है A, यहां है F, यहां है D, यहां है C और यहां है E, ये कुछ इस तरह से त्रिभुज ये लिया है, उस त्रिभुजा का काम नहीं है अपने। तो अब देखो इसके अंदर अगर ये भुजा और ये भुजा समांतर दे रखी है तो भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं। तो देखो मैंने लिखा AF बटे, बताओ क्या आएगा, AF बटे पूरी भुजा AD, ठीक है, बराबर क्या आएगा, देखो AF लिया था तो इसके सामने AE बटे पूरी भुजा AC, ये होगी समीकरण दो। बस आपको ये चित्र किस लिए दिया था, ताकि अनुपात कैसे लेना है ये समझ में आ जाए। ये इतना अनुपात यहां का बटे पूरा अनुपात, इसमें यहां का बटे पूरा अनुपात। अब देखो आप समीकरण एक और दो को देखिए थोड़ा सा ध्यान से, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक और दो को आप ध्यान से देखते हैं तो क्या आपको इधर वाली साइड बराबर नहीं दिख रही, तो आपने यही तो पढ़ा है, अगर ये वाली एक साइड बराबर होती है तो दूसरी साइड भी क्या होगी बराबर। तो देखो अपन दूसरी साइड बराबर करें तो देखो क्या आ जाएगा, AD बटे AB बराबर यहां क्या आएगा, AF बटे
एडी। देखो ये वाली AD बटे AB बराबर AF बटे AD, क्योंकि इधर वाली साइड बराबर थी तो ये वाली साइड भी क्या होगी बराबर। अब कर देते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करेंगे तो AD को AD से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर। AD गुणा AD क्या हो जाएगा AD स्क्वायर। और इधर क्या आ जाएगा AB गुणा AF, क्या जाएगा AB को AF से गुणा करेंगे तो AB गुणा AF। ये आ गया। अपने सिद्ध क्या करना था बताओ, तो सिद्ध भी तो यही करना था। देखो AD का स्क्वायर बराबर AB गुणा AF। तो ये आके आ गया अपना बहुत ही आसान सा तरीके से किया गया सवाल का हल। तो इस तरह से आपको सवाल को हल करना है। देखो अपने सवाल करने का तरीका एक ही चला रहे हैं, पहले जो दिया हुआ है वो लिखो, सिद्ध करना है वो लिखो, जो भुजा समांतर दे रखी है ना उन्हीं का ही प्रयोग करके आप उन्हीं से जिस त्रिभुज में वो आ रही है वही त्रिभुज आपको लेने हैं, ठीक है। और फिर आगे थोड़ा सा आप सवाल को ध्यान देंगे, या तो ये समीकरण बराबर हो जाएगी या फिर किसी में अपन अनुपात बराबर करके और इसको हल कर देंगे। दो ही प्रमेय पर सवाल चलेंगे, या तो थेवेंस प्रमेय या थेवेंस प्रमेय का विलोम, ठीक है। तो आप इस सवाल को इस आसान से तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका अगला छठा सवाल। देखो इसके जैसा बिल्कुल अपने उदाहरण किया था, ठीक है, और इसको भी करते हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी सवाल आपकी परीक्षा के लिए 6 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आपको आसान से तरीके से बताएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पहले सवाल को समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। सवाल के अंदर दिया हुआ है आकृति में यदि EF समांतर DC समांतर AB, यानी ये जो EF है वो DC के भी समांतर है और AB के भी समांतर है, और AB आपस में तो समांतर है ही है, ठीक है, तीनों ही आपस में क्या है समांतर है, ठीक है। हो तो सिद्ध कीजिए AE बटे ED यानी AE बटे ED बराबर BF बटे FC। अब भुजाओं का अनुपात देखो यहां पर ये कह रहा है इसका ये अनुपात और इसका ये अनुपात, ये तो अपने चतुर्भुज के अंदर तो नहीं पड़ा था, त्रिभुज में अपने जरूर पड़ा था। अगर किसी त्रिभुज के अंदर ये भुजाएं क्या होती है समांतर होती है तो वो समान अनुपात में विभाजित करती है, तब तो अपन सीधा थेवेंस प्रमेय का लगाकर इसको कर देते, लेकिन इसमें चतुर्भुज दे दिया तो कोई भी डरने की बात नहीं है। अपन इस सवाल को बहुत ही आसान से तरीके से करेंगे, आप लगातार देखते रहे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो दिया हुआ होता है वो लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया हुआ है, ई एफ समांतर है डीसी के, समांतर है एबी के, ठीक है। और आपको जो सिद्ध करना है सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ, फिर करना है सिद्ध करना। सिद्ध करना है एई बटे ईसी बराबर बीएफ बटे एफसी। अब एक छोटा सा काम करेंगे, यहां पे अपन रचना करेंगे, एक और लाइन ऐड करेंगे। देखो मैंने क्या किया, यहां पे एक विकर्ण खींच लिया, ए को सी से मिला दिया इस तरह से, ए को क्या किया सी से मिला, और यहां पर जहां मिल रहा है उसको मैंने बिंदु ओ कह दिया, ठीक है। तो क्या किया, ए को सी से मिलाया, बस इतना सा काम अपने किया है। अब ध्यान देंगे यहां पे थोड़ा सा, ये लाइन अपने को पता है ई एफ क्या है डीसी के समांतर, तो क्या ओ ई इसके समांतर नहीं होगी। अगर पूरी लाइन समांतर है तो आधे कितने टुकड़े कर दो उसके अंदर वो क्या रहेंगे उसके समांतर ही रहेंगे, ठीक है। तो अपन लेते हैं, आप देखो इसको हल करते हैं बहुत ही आसान से तरीके से। तो देखो क्या होगा, त्रिभुज लेंगे पहला कौन सा ए डी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए डी सी में अपने क्या है ये भुजा ई एफ पूरी डीसी के समांतर थी, तो कह सकते हैं यदि ई एफ समांतर है डीसी तो अपन क्या कह सकते हैं ओ ई समांतर भी क्या होगा डीसी के होगा। पूरी भुजा जब ई एफ पूरी समांतर है तो इतना सा टुकड़ा लिया है ये भी क्या है इसके समांतर, और अपने समांतर होती है तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर। तो अपन अनुपात कैसे लेंगे, देखो अनुपात ले सकते हैं थेवेंस प्रमेय से। थेवेंस प्रमेय से अपन क्या कहते हैं भुजाओं का अनुपात, देखो ए ई बटे क्या आएगा ईसी ई डी सॉरी ए ई बटे यहां पर भी डी है डी दिया हुआ है ई से सी नहीं है बराबर देखो ए ई बटे ई डी दिया हुआ है ए ई बटे ई डी। अब देखो यहां पर इसका अनुपात लेंगे तो क्या हो जाएगा ए ओ बटे सी ओ, ये अनुपात बटे ये लिया था तो ये भुजा बटे ये भुजा, त्रिभुज ले रहे हैं चतुर्भुज की बात नहीं कर रहे, उधर वाला भी नहीं लिया। इसको अपने कह दिया समीकरण एक, क्या कह दिया समीकरण एक। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं कौन सा, अब ध्यान देंगे त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें भी आपको दिया हुआ है यदि क्या दिया हुआ था ई एफ समांतर है
ए बी के, ये समांतर है ए बी के, तो अपन क्या कह सकते हैं, तो जो इतना सा टुकड़ा है ओ एफ वो भी ए बी के समांतर होगा, तो कह देंगे ओ एफ समांतर ए बी, ओ एफ समांतर ए बी। अब लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, अगर किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं समांतर हैं तो उनका अनुपात क्या होगा, बराबर। इस त्रिभुज को मैं देखो बनाऊं तो इसको अलग इस तरह से बना सकते हैं, कुछ इस तरह से बना हुआ त्रिभुज है, यहां पर है ए, ये बी, ये एफ, ये ओ और ये है सी। ध्यान दें ये त्रिभुज है ना बिल्कुल उल्टा बन रहा है, और अपन चाहें तो त्रिभुज का अनुपात कैसे भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और इसका बिल्कुल उल्टा भी ले सकते हैं। तो यहां पर देखो मैं ध्यान से अनुपात कैसे बना रहा हूं, मैंने लिया है ए ओ बटे ओ सी बराबर किसके हैं, बी एफ बटे एफ सी। देखो अनुपात कैसे लिया है, ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा। अगर आप चाहें त्रिभुज को सीधा होता तो आप सीधा अनुपात भी ले सकते थे, फिर उसको उल्टा कर देते बराबर, वो एक ही बात होती। अब देखो ये मेरी समीकरण बनी दो, अगर आप इसको उल्टा लेते ना तो फिर आपको बदलना पड़ता, क्यों, क्योंकि यहां पर देखो इस समीकरण में क्या आ रहा है, ये वाली साइड ए ओ बटे सी ओ और इसमें भी आ रहा है ये ए ओ बटे सी ओ, तो एक साइड भुजा की बराबर है समीकरण में बराबर है, तो दूसरी साइड भी क्या होगी बराबर। तो लिखेंगे समीकरण एक व दो से, एक में दो से ये वाली साइड बराबर है तो बची हुई साइड कौन सी है, इसकी ये साइड बची और इसकी ये साइड बची, ये भी क्या होंगे बराबर, तो लिख देंगे ए ही बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी। क्या सिद्ध करना था आपको ये बताएं, बिल्कुल यही सिद्ध करना था जो आपने निकाला है, देखो ए ही बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी, ये ए ही बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी, बहुत ही महत्वपूर्ण, देखो इतने ही आसानी से आपको समझ में आ भी गया। दोबारा से इसको देख लेते हैं सवाल को, क्या दिया हुआ था आपको, ये दिया हुआ था आकृति में यदि ई एफ डी सी और ए बी आपस में समांतर है तो सिद्ध करना ई बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी, बहुत ही आसान से तरीके थे। सबसे पहले आपको सवाल के अंदर क्या है दिया है और सिद्ध करना है वो लिख लेना है, फिर उसके बाद में इस चतुर्भुज का एक विकर्ण खींच लेना है, ए को सी से मिला देना है, ठीक है। तो ए को सी से मिलाने पर एक त्रिभुज इधर बन गया और एक त्रिभुज इधर बन गया, उन दोनों ही त्रिभुजों को काम में लेकर आपको सवाल करना है। तो देखो मैंने पहले त्रिभुज लिया था ए डी सी, ये ए डी सी, इसमें ये भुजा इसके समांतर है तो अपने भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं ए बटे ई डी बराबर ए ओ बटे ओ सी। तो यहां देखो इसी प्रकार ए बटे ई डी बराबर ए ओ बटे ओ सी लिया है, ये समीकरण एक कह दी और इसको यहां छोड़ दिया। अब दूसरे वाला त्रिभुज उधर वाला ले लो, ये त्रिभुज देखो मैंने यहां पर बनाया आपको समझाने के लिए, ठीक है। सीधा त्रिभुज तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता है, उल्टे वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैंने यहां अलग बना के लिया। आपको भी अगर त्रिभुज समझ में नहीं आ रहा तो आप साइड में उस त्रिभुज को अलग बना लो और फिर भुजाओं का अनुपात ले लो। तो यहां पर जब मैंने त्रिभुज बनाया तो ये भुजा इसके समांतर है, जब पूरी भुजा समांतर है तो आधी भी तो इसके समांतर होगी, जब ये समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर। तो भुजाएं मैंने लिया है एओ बटे ओसी बराबर बीएफ बटे एफसी, तो ये लिखा है देखो एओ बटे ओसी बराबर बीएफ बटे एफसी। अब समीकरण एक और दो की तुलना करते हैं, तो ये एओ बटे सीओ है और यहाँ भी एओ बटे ओसी, सीओ लिखो चाहे ओसी लिखो एक ही बात है, यहां पर आप इसको ओसी भी और सीओ भी लिख सकते हैं। तो जब ये वाली साइड इधर वाली बराबर है तो बाकी दूसरी साइड भी आपस में क्या होती है बराबर, यानी इसका ए बटे ईडी और इसका बी ए बटे एफ सी भी क्या होंगे बराबर, ये बराबर आती है, जो आपको सवाल के अंदर सिद्ध करना था वो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो ये था आपका छठा सवाल, तो ये थे 11.2 के आगे के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास है बस इतना ही, क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में दूसरे बच्चों को शेयर करके जरूर बताएं ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। तो आज की क्लास है बस इतना ही, धन्यवाद।